नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में हॉर्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनमें से थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। इसके कारण सब कुछ सही चलते चलते अचानक ही वजन या तो बढ़ने लगता है या फिर घटने लग जाता है, और साथ में कई और प्रॉब्लम्स भी जिंदगी भर के लिए पैदा हो जाती है, जैसे स्ट्रेस बहुत जल्दी होना, जल्दी सांस फूलना, जल्दी थकान होना, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाना, बाल झड़ना, चक्कर और घबराहट होना, कमजोरी आना, पाचन तंत्र यानी खाना पचाने से जुड़ी प्रॉब्लम थायराइड पेशेंट्स में देखने को मिलती है। थायराइड के हर रोगी में इनमें से कोई एक या ज्यादा लक्षण नजर आ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे ही लक्षण दिखाई दें, क्योंकि ये बीमारी की तीव्रता वगैरह पर निर्भर करता है। दोस्तों, थायराइड को ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि थायराइड जिद्दी बीमारियों में से एक है। ऐसा देखा जाता है कि दवाइयों से थायराइड कंट्रोल में तो बनी रहती है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होती, और इसके कारण थायराइड की दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ती हैं। इसलिए थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म करना हो तो दवाइयों के साथ साथ घरेलू उपचार भी जरूर करने चाहिए, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप थायराइड को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। दोस्तों, थायराइड की बीमारी तीन तरह की होती है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और गॉइटर या गलगंड यानी थायराइड की ग्रंथि में सूजन। आज मैं आपको इनमें से हाइपोथायराइड को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, जिसमें थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करने लगती है और हमारे शरीर को कम मात्रा में हार्मोन देने लगती है, जिससे अचानक ही वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और बालों का झड़ना शुरू होने लगता है। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको धनिये के बीजों का पाउडर काम में लेना है। ये वही धनिया पाउडर है जिसे आप अपनी रसोई में मसाले के रूप में काम में लेते हैं। आपको 2 ग्लास पानी में 2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा रह जाए, फिर इस पानी को छान लेना है। इस तरह थायराइड के लिए 1 ग्लास ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। आपको ये 1 ग्लास दिन में एक बार किसी भी टाइम पर बनाकर पी लेना है। ध्यान रहे कि अगर आप इस नुस्खे को खाना खाने के पहले या बाद में लेना चाहते हैं तो इस नुस्खे को लेने और खाना खाने के बीच 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। इसे लेने का एक टाइम निश्चित कर लें और इसे हर दिन उसी टाइम लें। दोस्तों, थायराइड के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर उपायों में से एक है। इसे आपको कम से कम 1 महीने तक रोजाना लगातार लेना चाहिए। दोस्तों, थायराइड को वापस ठीक तरह से काम करवाने के लिए इस नुस्खे के साथ साथ एक प्राणायाम भी करना चाहिए, जो थायराइड के लिए एक सबसे ज्यादा ताकतवर उपाय है। इसे करना बहुत ही आसान है और इसे आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। इसमें आपको गले को सिकुड़ते हुए सांस लेनी होती है, जिससे गले से एक आवाज निकलती है। पूरी सांस अंदर भरकर रोक लें और ठोड़ी को छाती से कुछ देर लगाकर रखें, फिर गर्दन सीधे करके दाई नाक को बंद करके सांस बाहर निकाल दें। इस तरह इसे 11 बार तक कर सकते हैं। खाने में आपको आयोडीन वाली चीजें जैसे प्याज, लहसुन, जौ, अनानास, साबुत चावल, टमाटर, स्ट्रॉबेरी आदि खाने चाहिए। साथ ही विटामिन ए से भरपूर चीजें जैसे दालें, बीन्स, अखरोट, लौकी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। चाय, कॉफी, डिब्बाबंद भोजन सामग्री नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इस नुस्खे और इस प्राणायाम को ठीक तरह से करते रहने और खाने पीने में इन सब चीजों का ध्यान रखने से 1 महीने में थायराइड के ठीक होने की पूरी पूरी संभावना होती है। आप इसे लगातार करते रहेंगे तो ये आपकी थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, ऐसे ही कारगर और 100% टेस्टेड नुस्खे देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।